अंग्रेजों ने भी लिखा है कि अगर ये आदमी यानी कि शिवाजी महाराज और पांच वर्ष ज्यादा जिंदा रहते हैं तो हम यहां कभी राज नहीं कर सकते जी। क्योंकि वो जो और उसका कारण भी उन्होंने बताया है कि जो राष्ट्रवाद इनको मालूम था शिवाजी महाराज को बाकी राजा महाराजा और शिवाजी महाराज में एकमात्र फर्क है जानता राजा का जो मतलब है यानी कि खास करके राजा का मतलब सभी को मालूम होता है जानता इसको ये खास मराठी शब्द है जो समर्थ रामदास जी ने शिवाजी महाराज के लिए जिसका पहली बार उपयोग किया है जी। जानता यानी कि सब कुछ जानने वाला भी बोल सकते हैं आप दूरदर्शी भी बोल सकते हैं विवेकी भी बोल सकते हैं तो ये सभी को एक समा देने वाला शब्द है जानता क्या बोलते हैं कि अलग सी पहचान एक शिवाजी महाराज की है कि ही वॉज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ किंग्स हु ऑलवेज थॉट अबाउट द नेशन एंड नेशन बिल्डिंग कुल मिला के हमारे अभी साढ़े ग्यारह सौ शो हो गए हैं सबसे ज्यादा शो हमने महाराष्ट्र में किए हैं उसके बाद भारत में किए हैं हिंदुस्तान में किए हैं तो हिंदुस्तान के ग्यारह स्टेट में अभी तक हमने इसका मंचन किया है कभी भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स देखे एनवायरमेंट के बारे में वो उनकी जागरूकता जो थी तो वो जो है तो आज भी आज इस जमाने में 21वीं सदी में भी वो पूरा के पूरा वैसे का वैसा लागू हो सकता है जी आज हम पेड़ पौधे की यानी वो करते हैं कि अरे वो उसको बचाओ पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ सभी के बारे में हम बोलते हैं लेकिन वो सभी मैसेज वो 350 बरस पहले अपने साथियों को देते आगे ज्यादा बढ़ना है तो थोड़ा पीछे देख देख के हमको आगे जाना है क्योंकि इतिहास में जितना हम पीछे देखते हैं ये मेरा नहीं है कि विंस्टन चर्चिल का ये है कि उन्होंने बताया था जितना आप दूर तक पीछे देख सकते हैं ना ही हम आगे की सोच सकते